I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. Shan Singh Rajput इनके केस में जनाक्रोश बढ़ रहा है और लगातार जनता की ओर से जो खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों को देखते हुए लगातार सीबीआई को ये केस दी जाए इस प्रकार की मांग चल रही है। जैसे हमने देखा कि सारे सीसीटीवी बंद है, कई प्रकार के अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसमें एक जनता के मन में एक आक्रोश और एक अविश्वास पैदा हो रहा है कि इसकी जांच ठीक से हो रही है या नहीं, इस जांच में किसी को बचाने का प्रयास चल रहा है क्या। इस प्रकार की बातें सामने आने के कारण लगातार सीबीआई को देने की मांग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार सीबीआई को यह केस देने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है और कई अकाउंट सामने आए हैं, उसमें कहां के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें ईडी के प्रव्यू में आती है और इसलिए इसका ये जो सारा एंगल है इसको एक ईसीआईआर रजिस्टर करके ईडी ने प्रोब करना चाहिए। गृहमंत्री, मैं बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। और बिहार पुलिस आई है सर, बिहार पुलिस जो आ रही है सर, बिहार पुलिस सर। सुशांत के पिताजी ने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया है, उसके उपरांत पटना पुलिस उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉम्बे गई हुई है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें वो एफआईआर जो राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है उसकी वैधता को चुनौती दी है। उनका फर्दर कहना है कि बिहार पुलिस और पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है, ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि इस केस का अनुसंधान करें। और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना की गई है कि इस केस को महाराष्ट्र बॉम्बे में ट्रांसफ़र किया जाए। बिहार सरकार ने उस याचिका को विरोध करने का निर्णय लिया इसके लिए कि बिहार सरकार के मुताबिक, हम लोगों के मुताबिक बिहार सरकार के और बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से कल ही एक कैविएट पिटीशन डायल किया गया है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटर्नी जनरल थे, उन्हें एंगेज किया गया है, उनकी स्वीकृति ली गई है और राज्य सरकार उस याचिका का विरोध करेगी। एक चीज और आ रहा है कि पटना पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है, रिया नहीं मिल रही है, इसको लेकर के क्या आपके हिसाब से एक अधिवक्ता? देखिए, अभी चूंकि उनका स्टैंड ही डिफरेंट है, अदरवाइज ये बराबर से रहा है कि जब कोई भी एक स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट में जाती है किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करने, एक्यूज के तलाश में, ये तो अमूमन उस राज, उस प्रांत, उस प्लेस की सरकार पदाधिकारी पूर्ण सहयोग करते हैं। नहीं सहयोग कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन देखिए अभी इस पर जैसा मैंने कहा कि सारा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, क्योंकि बिहार सरकार का स्टैंड सही है, हम लोग सही चाह रहे हैं, हम लोग सही अनुसंधान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय
का जैसा नेता हो,